हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं कुरकुरे की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। इसमें लगने वाले हैं, मैंने 1 कप के लगभग चावल को रात भर भिगोने के लिए रख दिया। अब इसकी मैं पानी छान लूँगी और इसे मैं ग्राइंडर जार की मदद से ग्राइंड कर लूँगी। ब्रेड चार ब्रेड को मैंने टुकड़े टुकड़े कर लिए हैं। इसमें लगने वाले मसाले हैं सब्जी मसाला, नमक 1 चम्मच के लगभग नमक है, 1 से 1.5 चम्मच के लगभग, 1 चम्मच के लगभग मैंने मिर्ची डाले हैं पाउडर। ये चाट मसाला है, सब्जी मसाला 1 चम्मच के लगभग, 1 से 1.5 चम्मच के लगभग है चाट मसाला। बेसन मैंने 2 से 3 चम्मच लिए हैं। अब मैं इसको चावल को छान करके ग्राइंड करने जा रही हूँ, जो आप देख सकते हैं। देख सकते हैं इसका पानी निकल चुका है पूरी तरह से। देखिए अब उतनी पानी नहीं है इसमें, किसी है उतना मुझे चाहिए भी। आप देख सकते हैं 5 से 6 अदरक, इसमें 1 इंच लगभग अदरक को मैंने कट करके डाला है, और 4-5 लहसुन की कलियाँ डाल लें, थोड़ा सा 4 से 5 आप काली मिर्च डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने सूखा पाउडर ज़्यादा लिया है, रेड पाउडर। जीरा 1/2 चम्मच के लगभग डाल करके इसको आप ग्राइंड कर ले। आप देख सकते हैं मैंने चावल को ग्राइंड कर लिया है इसके साथ मसाले डालकर। अब इसी में मैं ब्रेड भी ऐड कर दूंगी, इसको भी हल्का सा पानी डाल करके थोड़ा थोड़ा करके मैं ग्राइंड करती जाऊंगी। आप देख सकते हैं, अब देख सकते हैं मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है ब्रेड डाल करके सबको। अब इसमें मैंने जो बेसन आप लोग को दिखाए थे वो मैंने डाल दिया। अब इसमें सारे मसाले डाल देंगे 1 चम्मच के लगभग, सब सब मात्रा मैंने आपको बता दिए थे। देख सकते हैं सारे मसालों को आप इसी तरह ऐड करते जाओ। देख सकते हैं मैंने 1/2 चम्मच के लगभग इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया और इसको मिक्स करेंगे। इसमें अब पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसी तरह का डोआ भी बनाए, क्योंकि कुरकुरे चिप्स ये सब बच्चों को तीखा ही अधिक पसंद आता है, इसलिए मैंने मिर्ची थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है घर पे बनाए। अब हल्का सा तेल लगा करके इसको चिकना कर ले डो को, देख सकते हैं इस तरह से चिकना कर ले, और हल्का सा तेल अपने हाथ हथेलियों पर लगा करके आप कुरकुरे का सेप देते जाएं करके छोटी छोटी लोइयां ले ले हल्की सी हाथ से दबाते हुए। एक्चुअली मुझे इसे कुरकुरे का सेप देना है, इसलिए मैं थोड़ी सी उंगली से टेढ़ा मेढ़ा ट्रेनों में जो कुरकुरे की तरह इसे सेब बनाती जाऊंगी। आप देख सकते हैं इसी तरह आप भी बनाए, देख सकते हैं इसी तरह हल्का हल्का, देखिए इस तरह से बन जाएगा। देख सकते हैं मैंने इधर बना भी, आप इसमें अपने बच्चों की भी हेल्प ले सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इधर तेल भी गरम कर लिए हैं गैस ऑन करके। अभी तेल गरम कर ले चेक करने के लिए, आप थोड़ा सा इसमें डाल करके आप चेक कर सकते हैं कि तेल परफेक्ट गर्म हुआ है कि नहीं। आप देख सकते हैं तेल गर्म हो चुके हैं, देखिए इसी तरह का तेल का टेम्परेचर यही रहना चाहिए। अब मैं इसमें एक एक करके कुरकुरे डालती जाऊंगी, और देखिए इसी तरह से आप भी डालें। बहुत ही जल्दी बनने वाली फर्स्ट है। आप दुकान से पता नहीं किस तरह के तेल रिफाइंड का दुकान में यूज किया जाता है प्रोडक्ट में, घर पर शुद्ध बनाएं और बच्चों को इंजॉय करें। आप देख सकते हैं आप इस तरह का तेल आप भी रखें, देखिए अभी इसे बिल्कुल नहीं लाए, अपने आप ये जब सीख जाएगा तब मैं इसे। आप देख सकते हैं इसी तरह का हल्का हल्का गुलाबी होने लगे, तो आप इसे फ्लेम करके देखिए कितनी क्रिस्पी ये लग रही है, और घर का बना हुआ ठीक है। इस तरह से आप भी अपने बच्चों को इसी तरह का कुछ नया बनाया करें और खिलाया करें, बहुत खुश हो जाएंगे बच्चे। देख सकते हैं
मैंने सारे निकाल चुके हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में और क्रिस्पी भी बहुत होता है। देखिए आप इसे छोटा के ऐसे करिए और आप इसे इंजॉय करें बच्चों के साथ। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।